डोंट कम विथ टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगर वो पूरी नहीं हुई तो आपका खुद का दिल टूटेगा. द रियलिटी वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस. डोंट थिंक कोई अच्छा कॉलेज मिलने से आपके जिंदगी के सपने पूरे होने वाले हैं. एसी नहीं है लैब में भी. अजीब से रिएक्शन होते हैं किसी किसी के, लड़कों के तो और भी ज्यादा. तो इस एपिसोड में चलते हैं सीधा मिरांडा हाउस. तो आज मैं आ गया हूँ इंडिया के नंबर वन कॉलेज में. क्या ये अपने रैंक को जस्टिफाई करता है? लेट्स सी. किस कॉलेज में? मिरांडा हाउस. तो आप क्या कोर्स कर रहे हो? फिलोसफी ऑनर्स. फिलोसफी ऑनर्स. सारे सेम ही हो? कौन सी ईयर में हो अभी? फर्स्ट ईयर. तो कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप एक साल का? Nice. अच्छा रहा है, बट मतलब समझ नहीं आ रहा क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गया. अभी आए थे, अभी फर्स्ट ईयर खत्म है, अभी सीनियर्स बन गए. वो थर्ड सेमेस्टर हमारा शुरू होने वाला है. सेकंड ईयर्स बन जाएंगे ऐसे. कुछ अभी पता नहीं चला है. किस कॉलेज में हो? मिरांडा. तो आप क्या कोर्स कर रहे हो? मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. यहाँ पे ड्रीम कॉलेज था? हाँ, मेरी सेकंड प्रेफरेंस पे था, फर्स्ट पे हिंदू था. ऐसा क्यों? हिंदू का पॉल साइंस इज मच बेटर जैसा सुना गया है पुराने रिव्यूज से, तो उस हिसाब से मैंने वो किया था. इवन दिस इज नाइस. आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? मिरांडा. ऑफ कोर्स मिरांडा. सोचा था वो सब कुछ पूरा ही हो गया. सेकंड मिरांडा के बाद हिंदू. आपका? LSR. टीफूंस. LSR. क्या कोर्स कर रहे हो आप? केमिस्ट्री ऑनर्स. CUT स्कोर क्या था आप लोगों का? 330 था. 335. 340. ये आपका ड्रीम कॉलेज था क्या? या. आपका? यस. सेकंड प्रेफरेंस क्या थी आपकी? KMC था मेरा. स्टीफन. हिंदू कॉलेज. हिंदू या स्टीफन्स. CUT स्कोर क्या था आपका? मेरा 750. इस स्कोर में आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल सकता था मिरांडा? सिंस ये सेकंड प्रेफरेंस थी तो आई डोंट थिंक इसके आगे कुछ मिलता रहेगा. क्या कोर्स कर रहे हो? बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स. बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर. आपका CUT स्कोर क्या था? माइन वाज अराउंड 778. आपके कॉलेज मैक्सिमम तो छोड़ो, मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए एडमिशन लेने के? आई थिंक इट शुड बी, इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स व्हिच पीपल आर गोइंग टू परस्यू, बिकॉज कोर्स वाइज द CUT स्कोर्स वेरी एंड द कट ऑफ आल्सो वेरीज. फॉर आवर कोर्स इट शुड बी अबव लाइक 750 मोस्ट ऑफ द टाइम. एग्जैक्टली. कोर्स साइज वेरी करता है. फॉर आवर कोर्स इट वाज अराउंड 770. आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? मेरा ड्रीम कॉलेज तो यही था. मैंने सोचा था पहले कि अगर कोएड कॉलेज मिल जाता तो बेटर. ये जो मैं कोर्स कर रही हूँ तो इसी कॉलेज में होता है बस, जैसे गर्ल्स कॉलेज में ओवरऑल सिर्फ 8 कॉलेज है. तो आप क्या कोर्स कर रहे हो? मैं BA LED कर रही हूँ. दैट्स अ टीचिंग कोर्स, कई लोगों को पता नहीं होता. इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, हर जगह AC नहीं है. गुड. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर. गुड. बट AC नहीं चलते. कैंटीन. कैंटीन तो बहुत अच्छी. एक्सपेंसिव है? नहीं सही है. क्वाइट नाइस. नॉट क्वाइट सैटिस्फाइड. इट्स नाइस. गुड एवरेज. एक्सपेंसिव तो नहीं है ज्यादा? नहीं. प्राइस वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज इट कुड हैव बीन बेटर आई थिंक. टेस्ट वाइज इट कुड हैव बीन. कैंटीन अच्छी है, खाना सस्ता है, एक्सपेंसिव नहीं है. कैंटीन कैसी है? एक्सपेंसिव. काफी एक्सपेंसिव है. कुछ अच्छा भी मिलता है? नहीं यार, एवरेज है. जूस भी सारे नहीं मिलते हैं. कॉलेज बिल्डिंग? नाइस. नाइस. परफेक्ट. बिल्डिंग कैसी है आपकी? एस्थेटिक. वेरी नाइस. कैंपस कैसा है? क्वाइट नाइस. छोटा है बहुत. आई एक्सपेक्टेड माय कॉलेज टू बी हैव यू नो बिगर लॉन्स, बट वैसा नहीं है. इट्स रियली प्रिटी. इट्स स्मॉल बट इट्स वेरी प्रिटी. बहुत कैंपस काफी अच्छा है. वेल मेंटेन्ड. क्लासेस वगैरह AC वगैरह है? क्लासेस वगैरह AC नहीं है. बट कुछ क्लासेस में चलता है, किसमें नहीं चलता है. सब में नहीं है बट अभी मैनेजेबल है. ठीक है, हम यूज टू हो गए हैं गर्मी. SRCC में तो फुली AC है. आप उसके बारे में कुछ कहना है? मिरांडा में भी होनी चाहिए. होनी चाहिए यार. हमारा फ्रैंक वन है तो इसमें भी होनी चाहिए. गुड फॉर देम. या गुड. बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग अच्छी है. AC है? AC कुछ ही जगह पर है, हर जगह पर नहीं है AC. जहाँ है कभी कभी वो भी नहीं चलते हैं. क्लासेस वगैरह कैसी है? बहुत अच्छी है. अच्छी है. AC नहीं है. AC वगैरह नहीं है. तभी 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 जा रहे मिरांडा वाले के दुखी से दिख रहे हैं, पसीने में तरबतर है. बहुत. स्पोर्ट्स वगैरह है कुछ कॉलेज में? हाँ, स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स है. स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है. मल्टीपल टाइप के गेम्स होते हैं. सिंस मैं नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन देखा है काफी चीजें हैं. NCC है, आर्चरी वगैरह सब चीजें होती हैं. तो स्पोर्ट्स इज वेरी एक्टिव. इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे खासे हैं फॉर ऑल द स्पोर्ट्स. तो आप ये ड्रीम कॉलेज था, उसको ले लिया, तो आपको कभी उसके बाद रिग्रेट नहीं होता कि हमने जो सोचा था वैसा मिला या नहीं मिला? लिटिल बिट. स्टार्टिंग में थोड़ा स्केप्टिकल लगा था, बिकॉज दैट्स ओनली बिकॉज की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे. एंड नॉट दैट रियलिटी वाज बैड, बट द रियलिटी वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस. बट फिर हो गया एडजस्ट. इट्स नाइस नाउ. सिक्योरिटी के हिसाब से क्या? सिक्योरिटी काफी अच्छी है. ऐसे कोई नहीं घुस सकता है कॉलेज में. गार्ड्स दोनों गेट्स पे हैं और वो अच्छे से चेकिंग करते हैं. हॉस्टल वगैरह है कॉलेज में? हाँ, हॉस्टल है. हाँ, हॉस्टल मिलते हैं. मेरिट बेसिस में मिलते हैं वो. मुझे तो नहीं मिला. आई डिड अप्लाई फॉर द हॉस्टल, तो उसका क्राइटेरिया अलग है. देयर आर वेरी फ्यू सीट्स. हॉस्टल है बट उतनी सीट्स नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज टेकन बाय द हॉस्टल. मतलब ज्यादा स्पेस हॉस्टल में रहता है. हॉस्टल अच्छा है बहुत.
कॉलेज इनिशियली, तो हॉस्टल इज बेटर डेवलप्ड एंड द बिल्डिंग इज क्वाइट नाइस. ओके, तो आप लोग बाहर से होते हो, आसपास पीजीज में रहते हो या कैसे अप डाउन करते हो? हम यूजीएसजी हॉस्टल में रहते हैं, मुखर्जी नगर का अंडरग्रेड हॉस्टल है. तो कितना एक्सपेंस होता है एक महीने भर का एवरेज? मतलब अपार्ट फ्रॉम द रेंट टोटली, टोटल मिला के आई थिंक हॉस्टल में इट इज मतलब लेसर, सो आई थिंक 10K के अंदर में हो जाता है, बट पीजीज आर मोर एक्सपेंसिव. आसपास में कोई पीजीज वगैरह है? जी या हडसन लेन है, विजयनगर, कमला नगर, कॉलेज से 1-2 किलोमीटर. कितना एक्सपेंस पड़ जाता है आपका एक महीने का? मेरा एक महीने का एक्सपेंस 15 आता है, 15,000 हर रेंज में मिल जाते हैं, 9-8. नियर बाय कॉलेज के एंगर स्पोर्ट्स कौन से? हडसन, कमला. कॉलेज मेट्स कैसे? अच्छे हैं ये सब. कॉलेज में कैसे आपके कॉलेज में? अच्छे हैं. ये आपकी जोड़ी है? टीचर्स वगैरह कैसे हैं? बहुत बेकार है. अरे ये यही तो चाहिए था यार, बेकार वाला मैं रिकॉर्ड कर दूंगा. आप बहुत बेकार नहीं है, अच्छे हैं, अच्छे हैं मतलब. हाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट तो रहेंगे भाई, वरना एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है, तो इस वजह से हमें काफी डिमोटिवेट फील होता है जब पढ़ाते हैं. टीचर्स वगैरह कैसे? टीचर्स अच्छे. यार अब तो जेन्युइन जेन्युइन बात होनी चाहिए एकदम. Nay, I'm not going to shit on my faculty of my college, standing in front of my college, but yeah, overall it's nice. Fresh वगैरह होते हैं? हाँ, बहुत अच्छा. Fresh culture बहुत अच्छा है, मतलब काफी vibrant है, crowd काफी diverse आता है, and extracurricular activities भी काफी होती हैं. हिंदू कॉलेज के कंपैरिजन में वापस आ गई. मैं गई थी, एक घंटे रुके वापस आ गई. मैं उसमें नहीं रह सकती. हिंदू वालों की बेइज्जती होगी ना? नहीं रह सकती, इतनी भीड़, इतनी कौन एंट्री देता है उनको? एक घंटे में मैं आ गई वापस. हमारा जो टेम्पेस्ट था, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय वुमेन फॉर वुमेन. इट वॉज अमेजिंग, वी फेल्ट वेरी सेफ एंड वेरी वेल मैनेज्ड. हमें कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ा जैसे आईपी में हुआ था. तो पहले आई वॉज लिटिल हेजिटेंट क्योंकि वो दिवाली मेला वाला हुआ था, व्हेन पीपल आपकी मैनेजमेंट कैसा है? फैकल्टी कैसे वगैरह करते हैं? फैकल्टी भी अच्छी है, हेल्पफुल है. कुछ हेल्पफुल है और कुछ नहीं भी है. फेस्ट के बारे में क्या कहना है आपको? फेस्ट तो काफी हैपनिंग होती है, ड्यू की जैसी सारी फेस्ट होती है. हमारे अप्रैल में था. हिंदी से बेटर? काफी बेटर, काफी सेफ. कोएड कॉलेज वर्सेस गर्ल्स कॉलेज, आपको क्या लगता है बेटर कौन सा है? कोएड गर्ल्स कॉलेज. गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज. कोएड क्यों? कौन नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं है, मतलब थोड़ा लाइक लड़कियों में थोड़ा वो होता है, लड़के थोड़े चिल होते हैं कि मतलब पढ़ाई के मैटर में. ये कैसे देख रहे हो? पढ़ाई के मैटर में चाहिए. हाँ थोड़ा फन होता है यहाँ, फिर सब वही कंपटीशन होता है. बिल्कुल डरा दिया यार तुमने, लड़कियां से पीछे की तरफ जाई जा रही है. बाकी हाँ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज भी बेस्ट होता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. वेट कॉलेज वर्सेस गर्ल्स कॉलेज? गर्ल्स कॉलेज से इट्स द सेफेस्ट प्लेस, मतलब इतना अच्छा लगता है बीइंग इन बीइंग विद वुमेन. It feels like very empowering. It's very empowering coming to college. It wants makes me come to college every day. Co-ed girls college always. Always girls. I was in girls Why? School also. काफी safe environment रहता है, काफी safe. बच्चों की strengths वगैरह कितनी आती है? Normal है या बच्चे आते नहीं है? आते हैं बच्चे, आते हैं, मतलब 40-50 लोग तो आ ही जाते हैं हर दिन. I guess usually बस hang out करने आते हैं college, not for the classes but for hanging out. आए तो पढ़ने के लिए, but अब यहाँ आके expectations बहुत ज़्यादा थी, but यहाँ आके थोड़ा बस. ठीक है कोई नहीं, दिल्ली है. आप किसी को बताते हो कि मैं रहना हूँ? हाँ. तो क्या उनका क्या किस तरह का reaction वगैरह? कि वाओ इंडिया की टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हारे तो मजे है, उतने मजे नहीं है जितने दिखते हैं. आई थिंक हाइप बहुत ज्यादा है. Once you come here, तो realize होता है कि चलो ठीक है, but I know it's nice. Insider point of view है हमारा, but people do get excited when you tell. अजीब से reaction होते हैं किसी किसी के, लड़कों के तो और भी ज्यादा. आपका कॉलेज कोई प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है? हाँ बहुत सारे है. एक प्लेसमेंट सेल है अलग से, जिसमें बच्चों के फॉर्म्स आते हैं, इंटरव्यूज, उसके बाद वो रिक्रूट होते हैं. उसमें अलग से प्लेसमेंट सेल का एक फेस्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती है, जिसमें काफी हाई बजट रहता है, तो प्लेसमेंट है. दूसरे स्टेट से आप इधर एडमिशन ले लिया, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी शुरुआत में? इनिशियली अकोमोडेशन का प्रॉब्लम आता है, चीज़ें पता नहीं होती हैं, रास्ते याद करने में टाइम लग जाता है, कैसे कहाँ क्या जाना है. बट नॉर्थ कैंपस इज कंपैरेटिवली सेफर, तो इतना दिक्कत नहीं आती है. रेटिंग आउट ऑफ 10 कितने दोगे? 10 9.5 8.5 9. ओवरऑल रेटिंग देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी अभी कमी है, तो 8 तक
एडवाइस क्या देना चाहोगे जो आपको बच्चे होने वाले कि ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट यू वांट एंड डोंट थिंक कि कोई अच्छा कॉलेज मिलने से आपके मतलब जिंदगी के सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि हर चीज आपको खुद करनी है जो भी आपको ढूंढना है. सो बी रियलिस्टिक एंड जो भी मिले लर्न टू बी ओके विद इट बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ हैज बेटर प्लान्स. आई थिंक पढ़ाई सब में सेम ही होती है, कुछ भी मिले खुश रहो. यू शुड लुक मोर फॉर द कॉलेज लाइफ देन स्टडीइंग बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. और मतलब वो मिलता नहीं है इतनी इजीली. नॉर्थ कैंपस का हाइप है, समझ नहीं आता, मुझे नहीं मिलता. तो कॉलेज यू लर्न मोर आउटसाइड ऑफ द क्लास देन इन द क्लास. उनको यही रहेगा कि आओ, अच्छा है, अच्छा एक्सपोजर है काफी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. डोंट कम विद टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगर वो पूरी नहीं हुई तो आपका खुद का दिल टूटेगा. बहुत बेसिक माइंडसेट के साथ आइए, अच्छा कॉलेज है, अच्छा एक्सपोजर है, सबको यूज करने के लिए आइए. रिव्यू लेने के बाद अब समय आ गया था टॉम अंकल की मैगी और पास्ता को टेस्ट करने का, जिसमें मुझे मैगी ज्यादा अच्छी लगी.